1993 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसे कहा जाता है ए बॉय एंड लव स्टोरी, जिसे तो कोई करना ही नहीं चाह रहा था और ऐसा किरदार था जो शायद कोई निभा भी नहीं सकता इनके अलावा। जी हाँ, जो कोई ना निभा सका वो निभाया कैरेक्टर इन्होंने। जिस कैरेक्टर को निभाने से डर रहे थे लोग और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, वो कैरेक्टर निभाया शाहरुख खान, वन एंड ओनली शाहरुख खान। और ऐसा कैरेक्टर निभाया कि लोग आज भी कॉपी करते हैं और कई सारे फैंस का पेट बनता है सिर्फ एक डायलॉग के जरिए, किरण। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्टर की, तो इसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और इसे प्रेजेंट किया गया था यश राज बैनर के जरिए। और अगर म्यूजिक की अगर बात करूं तो दिग्गजों ने इसे म्यूजिक दी थी, तो शायद इसीलिए ये मूवी इतनी आगे बढ़ सकी, जिसमें शिव हरि हरिप्रसाद और शिव कुमार शर्मा जैसे दिग्गज लोग शामिल हैं। आज मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरहिट मूवी के बारे में जिसे आप कई सारी बार देख चुके होंगे और कोई ऐसा नहीं होगा जो कि ये मूवी नहीं देखा होगा, बहुत से कम लोग बचे होंगे, लेकिन जो जिसने भी ये मूवी को देखा है काफी पसंद किया है। 24 दिसंबर 1993 को ये फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम है डर। जी हाँ, जिसमें सनी देओल, जूही चावला, अनुपम खेर, तन्वी आजमी और दिलीप ताही बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। लेकिन इस मूवी में मैंने शाहरुख खान का नाम नहीं लिया, जो कि मैंने शाहरुख खान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले हम बात करते हैं इसके ऑफर के बारे में। जी हाँ, ये मूवी का ऑफर बहुत सारे लोगों को किया गया था जिनमें शामिल है अजय देवगन, आमिर खान और भी कई सारे सितारे, लेकिन सभी ने किया था मना क्योंकि ये किरदार था एक विलन वाला। और अगर बॉलीवुड की अगर हम नजर डालें तो वहां पे ये नहीं चाहते हैं हीरो लोग, क्योंकि अक्सर लोग हीरोइन बनने आते हैं एक्टर भी, लेकिन हीरो वाले तो बहुत सारे ऐसे कलाकार थे यही सोचते थे कि भाई मैं तो हीरो हूँ, अब मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के बीच में अगर मैं विलन का किरदार निभाऊंगा। लेकिन काफी बढ़िया था और लोग सही भी थे। अगर मैं दिलीप ताहिर की बात करूं तो दोस्तों आपने तो सभी ने बहुत सारे किरदार मेरे देखा है और बहुत ज्यादा फेमस है और हॉलीवुड के कई सारे मूवीज को भी डबिंग करते हैं दिलीप ताहिर। फाइनेंस एक्टर है और बहुत ही जबरदस्त एक्टर है और इन्हीं का एक इंटरव्यू के बारे में मैं बताऊंगा जरूर आप सभी को आगे बढ़ने से पहले। बाजीगर मूवी की जब शूटिंग हो रही थी दोस्तों, बाजीगर मूवी में भी बहुत जबरदस्त किरदार निभाया था शाहरुख खान ने और वो किरदार को भी बहुत कम लोग निभाने वाले थे, शाहरुख खान ने एक्सेप्ट किया और स्टोरी अच्छी लगी। और ये दिलीप ताहिर का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि भाई स्टोरी अच्छी लगी और उन्होंने इसमें ऐसा क्या देखा पता नहीं जो कि बड़ा ही जबरदस्त किरदार निभाया और इतना मतलब नेगेटिव किरदार निभाना बहुत मुश्किल था और शाहरुख खान ने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया और आज मूवी बाजीगर इतनी हिट है। और वापिस आते हैं, ये तो थी एक छोटी सी इंटरव्यू वाली बात, वापिस आते हैं शाहरुख खान के बारे में, डर मूवी के बारे में। दोस्तों 24 दिसंबर 1993 को जब रिलीज किया गया था किसी ने सोचा भी नहीं था कि मूवी इतना हिट करेगी या फिर इतने अवार्ड्स अपने सामने हासिल करेगी, लेकिन आज की अगर बात करें मूवी की तो काफी हिट मूवी रही है और इतने ज्यादा कलेक्शन किया और आज भी कई कई सारे फैंस सिर्फ ये एक डायलॉग के ऊपर जी रहे किरण। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग इसी पे जी रहे हैं और कई सारे लोगों को तो मतलब शाहरुख खान की जब कभी मेरी क्लिक करना होता है तो यही डायलॉग लोग यूज करते हैं। अगर मूवी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको अभी भी अवेलेबल है, 1993 की मूवी है लेकिन अभी भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब से अगर लेना चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं अमेजोन का अगर सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे प्ले स्टोर या फिर मूवीज एंड टीवीज के जरिए या फिर एप्पल टीवी अगर आपके पास है तो 120 रुपीज में एप्पल टीवी के जरिए देख सकते हैं और साथ ही साथ गूगल प्ले मूवीज एंड टीवीज में 50 रुपीज देकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसका किरदार काफी बढ़िया निभाया था शाहरुख खान ने और कई सारे लोग जो कि मैंने शुरू में बात की थी वो एंड करें, वो बात करके एंड कर दूंगा वीडियो को कि भाई आमिर खान एंड अजय देवगन ने एक वजह ये भी बताई थी कि भाई सनी देओल का सामना बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रोल था, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रोल था और साथ ही साथ विलन वाला कैरेक्टर निभाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन शाहरुख खान ने एक्सेप्ट किया और आज एक अलग ही पहचान बना दी उस कैरेक्टर की शाहरुख खान ने। आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की बातें हम जरूर करेंगे मूवीज को लेकर, रिव्यूज हो या फिर ट्रेलर्स की रिव्यूज हो, बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सलाम, जय हिंद।